नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बजट पर चर्चा से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद में किया प्रदर्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ आज प्रस्ताव लाएगी कर्नाटक सरकार। एंजल टैक्स खत्म होने पर यूपी बनेगा स्टार्टअप इकोनॉमिक्स का सिरमौर। यूपी में 5 आईएएस पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस के मौके पर ड्रोन और यूएवी के उपयोग पर लगा बैन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग से हड़कंप, 2 हमलावर गिरफ्तार। लखनऊ से कानपुर के लिए जल्द दौड़ेगी वंदे मेट्रो। शाइन सिटी घोटाले मामले में मास्टरमाइंड राशिद नसीम का करीबी हिमांशु किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के तोलाब में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान हुआ घायल। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में भीषण उमस, हल्की बारिश की जताई गई संभावना। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।